मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 2 अगस्त 2024 शुक्रवार का दिन और हिंदू तिथि सावन माह की त्रयोदशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, नए महीने की शुरुआत के साथ ही महंगाई का झटका लगा है। 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 8.5 रुपए तक महंगा हो गया है। और राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में भी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 12 रुपए प्रति सिलेंडर के हिसाब से महंगा हो गया है। हालांकि घरेलू सिलेंडर के दामों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं देश की एक और बड़ी खबर। देश के ज्यादातर इलाकों में मॉनसून जमकर सक्रिय है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में गुरुवार को बादल फटने से बाढ़ आ गई। इससे पहले हिमाचल में भी देर रात 4 जगह बादल फटे हैं। बादल फटने की वजह से रामपुर के समेज खड्ड में कई घर बह गए। यहाँ 2 लोगों के शव मिले हैं जबकि 52 लोग लापता है। वहीं मलाणा में पार्वती नदी में पानी बढ़ने के बाद पावर प्रोजेक्ट का डैम टूट गया। कुल्लू और मंडी में भी भारी तबाही हुई है। वहीं बड़ी खबर यह भी है, राजस्थान के जयपुर में एक घर के बेसमेंट में डूबने से एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। बुधवार रात तेज बारिश के कारण दीवार ढहने से 25 लोग घरों के अंदर ही फंसे रह गए थे। वहीं केरल का हाल तो सबसे ज्यादा बेहाल है। केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या 300 के पार पहुंच गई है। अच्छा देखिए, कई लोगों के मन में यह भी सवाल है कि आखिरकार केरल में अचानक क्या हो गया और यह लैंडस्लाइड होती क्या है। साधारण शब्दों में इसे समझे तो किसी ढलान वाली जगह से जमीन या चट्टान का नीचे सरकना इसे भूस्खलन या लैंडस्लाइड कहा जाता है। जब भारी बारिश होती है तो जमीन या चट्टान या फिर वह पहाड़ अपना वजन नहीं सहन कर पाते, इससे वह गिर जाते हैं और फिसलकर बह जाते हैं। और यह फैलाव आमतौर पर कीचड़ के रूप में होता है जिसे मलबा भी कहा जाता है। केरल में भी यही हुआ। यहाँ अति भारी बारिश की वजह से पहाड़ों से पानी और मलबा बहकर आया जिसकी वजह से कई गांव उस मलबे में समा गए। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान में भी भारी बारिश ने हालात बिगाड़ कर रख दिए हैं। भारी बारिश के चलते प्रदेश के कई जिलों में कल स्कूल को बंद करना पड़ा। और अब बड़ी खबर यह है, आज भी जयपुर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने भारी बारिश के अलर्ट के चलते 2 अगस्त को स्कूलों में छुट्टी के निर्देश दिए हैं। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मंजू शर्मा ने छुट्टी के आदेश जारी किए हैं। हालांकि आपको बता दूं, प्रदेश के बाकी जिलों में स्कूल खुले रहेंगे लेकिन हर जिले के कलेक्टर अब अपने स्तर पर फैसला ले सकेंगे। हालातों को देखते हुए कलेक्टर अपने स्तर पर फैसला ले सकते हैं। और बड़ी खबर यह भी है, भारी बरसात के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आपदा प्रबंधन की बैठक भी बुलाई। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अधिकारी फील्ड में जाकर आमजन को राहत दे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं राजस्थान से बड़ी खबर। भजनलाल सरकार उत्तराखंड की तर्ज पर राजस्थान में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी में है। विधानसभा में राजस्थान में यूसीसी लागू करने के लिए बिल लाने पर बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ के सवाल के जवाब में निधि न्याय और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राज्य सरकार इस विषय में विचार कर रही है। सभी पहलुओं पर विचार करके सरकार की तरफ से उचित समय पर बिल लाया जाएगा। आपको बता दूं, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। और अब राजस्थान में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सम्मान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी हो रही है। आगे बढ़ जाते हैं एक और बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगस्त में राजस्थान का दौरा प्रस्तावित है। संभवतः पीएम मोदी 25 अगस्त को जोधपुर आ सकते हैं। पीएम मोदी हाई कोर्ट के 75 साल पूरे होने पर यहां आयोजित होने वाले समारोह में शिरकत करेंगे। राज्य सरकार इस दौरान पीएम से कुछ शिलान्यास और उद्घाटन भी करवाने की तैयारी में जुट गई है। बताया जा रहा है पीएम मोदी इस दौरे के दौरान जोधपुर की धरती से राजस्थान के लिए कुछ बड़ी घोषणा कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ जाते हैं एक और बड़ी खबर। राजस्थान के 27,000 राशन डीलरों ने अब राज्य की भजनलाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार से राशन डीलर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इससे राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के गेहूं वितरण पर भी संकट पैदा हो गया है। बड़ी खबर यह है, इस बार राशन कार्ड से आपको गेहूं मिलने में देरी हो सकती है। वहीं देखिए दूसरी ओर, सफाई कर्मचारी पहले से ही आंदोलन पर चल रहे हैं जिसकी वजह से वीआईपी क्षेत्रों में भी कचरे के ढेर लग गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं एक और बड़ी खबर। आनंद पाल एनकाउंटर मामले में चूरू के तत्कालीन एसपी राहुल बारहट को दिए गए नगद पुरस्कार और मेडल वापस लेने की मांग उठी है। यह मांग चर्चित आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी ने उठाई है। वहीं आपको बता दूं, आनंद पाल का एनकाउंटर करने वाले 7 पुलिस अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने इनके खिलाफ पर संज्ञान लेते हुए हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने और जांच के आदेश दिए हैं।
खैर आगे बढ़ जाते हैं बड़ी खबर। संसद भवन में कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जबरदस्त गहमा गहमी हो गई। इस दौरान इंडिया एलायंस के सांसदों ने हनुमान बेनीवाल के समर्थन में रेल में आकर वैष्णव के वक्तव्य का विरोध किया। हनुमान बेनीवाल ने रेल मंत्री को बर्खास्त करने की भी मांग की है। आगे बढ़ जाते हैं एक और बड़ी खबर। वायदा बाजार की तेजी के असर से गुरुवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई है। जयपुर सराफा बाजार में चांदी 700 रुपए बढ़कर 86,200 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई और शुद्ध सोना भी 525 रुपए महंगा होकर 71,825 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और जेवराती सोना यानी कि 22 कैरेट सोना भी 600 रुपए उछलकर 67,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। आपको बता दूं बीते दो दिनों से सोने और चांदी के भाव में उछाल देखा जा रहा है जिसकी वजह से खरीदारी की रफ्तार धीमी हो गई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर शहर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में बेसमेंट में पानी से डूबने से 3 लोगों की मौत पर 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने भारी वर्षा से हुई जनहानि पर तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आम जन की तुरंत सहायता की जाए, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दूं हाल ही में दिल्ली में कोचिंग की लाइब्रेरी में बने बेसमेंट में डूबने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। अभी यह मामला ठंडा भी नहीं पड़ा कि राजधानी जयपुर में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां 22 फीट हाइट के बेसमेंट में बारिश के चलते जल भराव हो गया जिसकी वजह से डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। और आगे बढ़ जाते हैं मौसम से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट है। राजस्थान में मॉनसून दोबारा सक्रिय हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश होने से हालात बिगड़ गए हैं। जयपुर शहर में तो गुरुवार को सड़कें दरिया बन गई थी। प्रदेश के निचले इलाकों में घरों तक पानी घुस गया था। वहीं करौली, अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, सीकर, सवाई माधोपुर, टोंक, नागौर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, यहां पर भी कई स्थानों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। लेकिन देखिए एक सच्चाई ये भी है, प्रदेश के एक साइड तो भारी बारिश ने हालात बिगाड़ कर रख दिए हैं, लेकिन जोधपुर संभाग के कुछ हिस्से अभी भी ऐसे हैं जहां पर बारिश की बेहद ज्यादा कमी बनी हुई है। लेकिन इसी बीच राहत की खबर यह है, फिलहाल प्रदेश भर में मॉनसून सक्रिय रहेगा और आज पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है और कल यानी 3 अगस्त को पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। बड़ी बात यह है आने वाले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में कहीं पर तेज तो कहीं पर हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। आगे बढ़ जाते हैं देशवासियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। पेरिस ओलंपिक में बुधवार को भारत को 3रा मेडल मिला है। 50 मीटर राइफल प्री पोजीशन की मेस कैटेगरी में शूटर 100 अप्रैल कुसाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। खास बात यह है कि इस बार के ओलंपिक में अब तक 3 मेडल शूटिंग इवेंट्स में ही मिल चुके हैं। मेडल जीतने के बाद 100 अप्रैल ने कहा, मुझे काफी खुशी हो रही है कि मैंने देश के लिए मेडल जीता। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।